आदाब नाजीन, मैं हूँ मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। अगर इनसाइड स्टोरी की आज हम बात करें तो ये हमारी सेकंड सीरीज़ है इनसाइड स्टोरी की। और आज सेकंड सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम और बड़े मुद्दे की, क्योंकि ये अहम और बड़ा मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि इसी इलेक्शन से जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिन्हें बाईपोल इलेक्शन कहा जाता है, ये बाईपोल इलेक्शन ही तय करेंगे 2019 का कहीं ना कहीं तक सफ़र। क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरह से अगर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मोदी मैजिक, मोदी लहर जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आते आते रुक गई वो, लेकिन अगर बाईपोल इलेक्शन की बात करें, हम कहीं भी बाईपोल इलेक्शन हुआ हो हिंदुस्तान में, वहां पर बीजेपी को मौकी खानी पड़ी है। जैसे राजस्थान में हुआ, उससे पहले भी वहां पे भी हुआ, आज उत्तर प्रदेश में हो गए, बिहार में हुआ, यहाँ पे सब जगह ऑलमोस्ट बीजेपी को मौकी खानी पड़ी है। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह भी सामने आई। अंदरूनी कलह क्या थी ये भी आपको मैं बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा वो उठाते रहते हैं, हिंदुत्व के बारे में हमेशा वो बात करते रहते हैं, लेकिन आज वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। उनके अलावा डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो भी अपनी फूलपुर की सीट नहीं बचा पाए। इसके पीछे आज जो सबसे बड़ी स्टोरी चल रही है, हर कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज का मामला आपको याद होगा, वहां पे गोरखपुर में जो इतने सारे बच्चे का डेथ हुई थी और इतने सारे बच्चे की डेथ के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या कहा था, उनका कहना था कि बच्चे तो हर साल मरते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि आज तक इतनी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उस उत्तर प्रदेश की रियासत में इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा जजमेंट कोई नहीं करेगा जितना हम करेंगे इसको लेकर, लेकिन आज तक कुछ हुआ। कुछ सुना आपने के जो गोरखपुर बीआरडी स्कूल में, कॉलेज में या इसमें अस्पताल में बच्चे मरे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया होगा? कुछ एक्शन नहीं। डीएम को एक इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली होता रहता है। लेकिन हम बात करेंगे आज योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों में ही आपस में हमेशा से चलती आ रही है जब से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है। सबसे पहली वजह यह हो सकती है आज हारने की, योगी आदित्यनाथ की भी और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी, कि उनकी कलह जो थी वो आपस में सामने आई। फिर उन्होंने अभी दूसरा हारने के बाद कितना अच्छा, इसे आप बहाना कह सकते हैं, हारने के बाद कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट हमने उतारे थे वहां पे, या जिन कैंडिडेट के लिए हम 15-15 रैलियां कर रहे थे, सीएम भी और केशव प्रसाद मौर्य भी, वो हमारी पसंद के ही नहीं थे। बड़ी बेवकूफी वाली बात है, मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और जब हार जाते हैं तो इस तरह के बहाने बनाना आसान हो जाता है हर किसी के लिए। अगर अखिलेश यादव या मायावती भी हारते तो शायद वो भी इस तरह के बहाने बनाते, वो उनके लिए बहुत अच्छा आजकल ऑप्शन होता है कि नहीं मोदी लहर चल रही है अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज देखने वाली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने काशीराम और मुलायम सिंह यादव का बहुत पहले एक साथ आए थे, उसके बाद बहुत लंबा गैप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो लास्ट ईयर अपने ही खानदान में पिस गए थे और अपने ही घर वालों के बीच में एक दरार बन के इनके सबके सामने उभरी थी, लेकिन इस बार जो हुआ इन दो इंतखाब ने ऐसा कर दिया कि सब के सब, खासकर मायावती और अखिलेश यादव जो एक दूसरे के रिवायती हरीफ रहते हैं, अखिलेश यादव उन्हें बुआ कहते हैं, वो उनको कुछ और नए नए नाम से पुकारती हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कभी नहीं बोलते, लेकिन ना तो इन वाले उसमें इल्ज़ाम लगाए गए और ना ही वो, बल्कि पीस पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो ये सब लोग एक साथ आए और इनकी एकता दिखाई दी यहाँ पर वोट बैंक में। जो उनका वोट बैंक है, अखिलेश यादव का एक अलग वोट बैंक होता है, मायावती का एक अलग वोट बैंक होता है, वो इस बार बटा नहीं। खासकर शहरों में अगर देखा जाए तो शहरी जो एरिया आता है, चाहे कोई भी वहां पे इलेक्शन हो, लेकिन बीजेपी हमेशा वहां पे बाजी मार लेती है अक्सर शहरों में, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग देखने को मिला शहरों में। खासकर जो गोरखपुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार दौरे करते रहते हैं, बार बार मठ में जाते हैं, बार बार अपने अपना प्रचार करने की कोशिश करते हैं, इस बार उन्होंने 8-10 दिन के अंदर अंदर 15 रैलियां कर दी और कह रहे हैं कि वहां पे मेरे जो कैंडिडेट हैं मुझे जितवाएं। और उसके अलावा जो वहां पे कैंडिडेट बनाए गए थे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी कि ये योगी आदित्यनाथ का बगीचा है जिसका मैं माली बन के आ रहा हूं। तो शायद लोगों को माली पसंद नहीं था, उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो नया बगीचा बना सके उनके लिए, जो योगी आदित्यनाथ ने या तो तबाह कर दिया था, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाद से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बददुआएं उन्हें लगी हैं। और 2019 इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा मंथन है, सोचने की बात है बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि शायद कि अब जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े कायदीन हैं या
अगर बात की जाए नेशनल लेवल पे, तो मोदी जी को भी उन्होंने सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि किसी ने भी शायद उम्मीद नहीं लगाई थी इस इलेक्शन में कि मायावती और अखिलेश यादव साथ आ जाएंगे। मायावती और अखिलेश यादव साथ आ गए तो इस बार क्या वो हुआ सबको पता है। और कहीं ना कहीं मायावती बहुत बार कह चुकी है कि मेरे भी मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, तो शायद हो सकता है शायद 2019 में अखिलेश यादव इस बात के लिए उनका सपोर्ट करें, या अगर नहीं भी सपोर्ट करते हैं तो एक रास्ता खुल गया है आगे की राजनीति को लेके। अखिलेश यादव फौरन जीतते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं, उनके अलावा वो सीधा मायावती के घर पर पहुंचते हैं। अब तक की सियासत में ये चीज कभी नहीं देखने को मिली कि अखिलेश यादव और मायावती किसी मंच पर एक साथ आए हों। कई बार ऐसे मौके आए कि इनको बुलाया गया लेकिन ये जल्दी से साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज अखिलेश यादव मायावती जी के घर ही पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं आगे के लिए एक पॉजिटिव इशारा है। और लोगों को जितने भी एक अलग पार्टी है, बीजेपी मुखालिफ पार्टी है, उनको समझ में आने लगा है कि अगर मोदी मैजिक से या मोदी लहर से लड़ना है तो सबको एक होना ही पड़ेगा। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश की फूलपुर की और गोरखपुर की हमने बात की, ऐसे ही अगर हम बिहार पहुंचे तो बिहार में अररिया की सीट हुई, उसके अलावा और दो सीटें भभुआ की सीट हो गई और एक जहानाबाद की सीट हो गई, वहां पे भी एक नई चीज देखने को मिली। लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद में कहा जाता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो भी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो लालू प्रसाद यादव की बराबरी कर सके, या लालू की जो एक लालू ने अपना हो हल्ला मचा रखा था कि नहीं सबसे बड़ा लीडर मैं ही हूं, उसके बाद में नीतीश कुमार के बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो तेजस्वी उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेजस्वी ने एक बहुत शानदार गेम प्लानिंग यहाँ पे की। तेजस्वी ने क्या गेम प्लानिंग की, जो साबिक सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को साथ लाते हैं, जीतन राम मांझी के घर जाके खाना खाते हैं, उसके अलावा दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, क्योंकि अररिया सीट पे हमेशा ये कहीं ना कहीं एक दलित वाला जो कार्ड है ये बहुत ज्यादा खेला जाता है, हमेशा से खेला जाता है। तो तेजस्वी यादव ने ये बहुत शानदार एक मूव चला और उसकी वजह से वो कामयाब हुए, और यही वजह है कि आरजेडी को दो बड़ी सीटें मिली हैं। एक रिंकी पांडे भभुआ से जरूर जीत गई, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही वहां पे बीजेपी, लेकिन अगर पांच सीटों में से चार सीटें चली जाती हैं तो 2019 के लिए बड़ा इशारा है। कहीं ना कहीं मोदी लहर खत्म होती दिख रही है, अगर 2019 में जिस तरह से ममता बनर्जी कह चुकी हैं, जिस तरह से सब लोग कह चुके हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी जो आने वाले इलेक्शन है वो बहुत बहुत कुछ साफ कर देंगे 2019 के लिए। मुझे लगता है कि 2019 दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि इसे मायावती और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कांग्रेस, आरजेडी और इनको सबको एक साथ ना ला सके। उम्मीद है कि एक साथ आएंगे, शायद एक साथ 2019 पे कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गोरखपुर के बच्चों की बद्दुआएं लगी। फिलहाल इनसाइड स्टोरी के लिए बस इतना ही, अपने मेजबान मोनिस को दीजिए इजाजत, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें और प्लीज शेयर जरूर करें। ये हमारी इनसाइड स्टोरी है, अभी हम कोशिश करेंगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर करें और आपके लिए इनसाइड स्टोरी लेके आएं। इसके लिए अभी थोड़ा वक्त कम था हम लोगों के पास, आज ही सब कुछ हुआ है ये, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे सेकंड एपिसोड है या सेकंड वीडियो है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपना थोड़ा सा प्यार जताएं, फिर हम और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज लेकर आएं। अल्लाह।